हरे कृष्ण, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होने वाला है। आज आपको शेयर से लाभ मिलेगा या ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा, या व्यापार करेंगे या राजनीति के चित्र से लाभ मिलेगा, या आज आपको वकालत के फील्ड से लाभ मिलने वाला है, या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या करेंगे ये भी आज हम आपको बताएंगे। और आज आपको अपने लेखन कार्य से या ललित कला के द्वारा धन मिलेगा या फिल्मी दुनिया से लाभ मिलेगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है ये भी बताएंगे, सावधानियां क्या बरतनी है और उपाय क्या करना है, ये सब की आज हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं और अपना प्रश्न लिखें और अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जो मिथुन राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए चतुर्दिक चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। लाभ की स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति आपकी सशक्त होगी और माली हालत बहुत ही अच्छा होगा। सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र से आज आपको नौकरी मिल सकती है, उसमें आज आपको अच्छा करने वाले हैं। और जो खास तौर से पत्रकार हैं आज उनके लिए नौकरी के लिए अच्छा समय, उनकी पदोन्नत हो सकती है। आज आपको नए तरह का असाइनमेंट है, नए तरह का स्लॉट मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी में परिवर्तन का भी योग बन रहा है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, जो भाषा वाणी आपको खराब लगे उस तरह के भाषा वाणी का प्रयोग दूसरों के साथ आप न करें। अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, आज आपको बड़ी सफलता हुए मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। आपको न्यायिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बन रहा है। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहा है। माली हालत अच्छी होगी, आपके पुराना मित्र मिलेगा जिससे मिलकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। देश विदेश की यात्रा का भी योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से धन मिलेगा। एकेडमिक बड़ा कार्य आज आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बड़ा करने वाले हैं। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं या फिल्मी दुनिया में अगर आपकी रुचि है तो फिल्म डायरेक्शन से, प्रोड्यूसरशिप से आज आपको अच्छा धन के लाभ होने वाला है। यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आज आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। और यदि और भी कोई नया प्लान करना चाहते हैं तो उसमें भी आज आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन लाभ मिलेगा। और किसी अजनबी से, किसी स्ट्रेंजर से कोई भी नए तरह का डील ना करें, नहीं तो उसमें आज आपको नुकसान होने की संभावना दिख रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि किसी भी अजनबी से कोई भी लेन देन ना करें और भावुकता में आके कोई निर्णय आप न लें। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है। ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करना है और मोदक अर्पित करना है। आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।